नमस्कार, मेरे चैनल पे जेवी मनीषा बजाज हैं जो प्रोड्यूसर हैं दी थिंक लाइन फिल्म की, और इन्होंने जो फिल्म बनाई है पहली बार बनाई है, ये जो फीचर फिल्म है इसके जो फिल्म है हिंदी और इंग्लिश में। मैम नमस्कार मेरे चैनल पे, आप ये बताइए ये थीम कैसे आपने चुनी? ये जो फिल्म है अ थिन लाइन, इसकी थीम कुछ ऐसी है जो कि हम आप सभी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते ही हैं। किसी भी रिलेशन में अच्छाई और बुराई के बीच में एक छोटी सी पतली सी महीन रेखा होती है। ज़रा सा कुछ आगे बढ़ें तो कोई चीज़ गलत हो जाती है, संभाल लें तो चीज़ सही भी हो जाती है। सो अच्छाई और बुराई के बीच में एक महीन रेखा होती है, उसी सेंटिमेंट्स को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। ये कोई स्पेशल ऐसी कहानी नहीं है जिसे आसमान से उतारा गया है, हमारे आपके बीच की कहानी है। हर मियाँ बीवी के बीच में कुछ बातें रहती हैं जो कुछ कही जाती हैं, कुछ अनकही होती हैं। तो ऐसी ही कुछ अनकही बातों को समझाने, लोगों तक पहुंचाने और एक परिवार की अंतर्द्वंद को लोगों के सामने रखने की एक कोशिश है अ थिन लाइन। तो एक अच्छी कहानी जिसे जो निर्देशक हैं फिल्म के वीरेंद्र ललित जी, उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से एक खूबसूरत रूप दिया है। और इसमें जिन कलाकारों ने काम किया, राहुल रॉय, आकांक्षा श्रीवहरे, त्रिविक्रम मट्टू, विवेक श्रीवास्तवा, इन सब लोगों ने पूरी मेहनत से काम किया। वीरेन जी ने बहुत अच्छे से काम करवाया और कुल जमा ये कि एक खूबसूरत फिल्म बनी है। ठीक है, टोटल इस फिल्म की शूटिंग कितने दिन में हुई है? लगभग 2 महीने। और इसमें जो म्यूजिक है जी, इसमें टोटल कितने गाने हैं? इस फिल्म में जो गाने हैं, जो हिंदी फिल्म में गाने हैं, वो 3 हैं, जिनमें से एक गालिब साहब का कलाम है जिसे आवाज़ दी है पामेला जैन और करण सिंह राठौर ने। इस फिल्म का जो म्यूज़िक है कंप्लीट इन टोटालिटी, वो सत्या मानिक अवसर का है। इस फिल्म में 2 गाने मैंने लिखे हैं और उन्हें गाया और कंपोज किया दिल्ली का ही एक लड़का है आभास, उसने। सो एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। अब गालिब साहब का कलाम है तो आप समझ सकते हैं कि किस इंटेंसिटी के थॉट्स परोसे गए हैं फिल्म में। और 2 गाने मैंने लिखे हैं जिन्हें दिल्ली के एक लड़के ने कंपोज़ किया है, और वो एक बहुत ही नए तरह का म्यूज़िक उसने दिया है, एक फ्यूजन क्रिएट किया है जो कुछ भारतीय है, कुछ विदेशी है, तो सुनने में आज के ज़माने के लोगों को बिल्कुल अपने जैसा लगता है। और हाँ, यही है कि फिल्म की जो कहानी है अ थिन लाइन, उसी पर बेस्ड ये 3 गाने हैं और उसी पर बेस्ड म्यूजिक कंपोज किया गया है। मैडम, आप जैसे एंटरप्रेन्योर हैं लेडीज, तो सरकार से इस फिल्म के बारे में कोई बात हुई आपने की कुछ टैक्स फ्री के लिए, या आप एक जो इसमें हीरोइन के लिए भी स्पेशल चीज़ है, ये इंडिया में पहली बार आ रही है, इंडिया में मैं रिसर्च करके ही आपको बोल रहा हूँ कि इस बारे में सरकार से कोई बात की? अगर सच कहूँ तो वाकई सरकार से तो हमने ऐसी कोई बात की नहीं है, पर एक ये हमारी खुद की एक सोच है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर या ऐसे किसी भी बीमारी के जो सर्वाइवर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मनस्थिति से लड़ते हुए रहते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक बीमारी के बाद कहीं रुक गई या ख़त्म हो गई। ऐसे लोगों को दोबारा चेतना दिलाने के लिए, समाज में वापस लौट आने के लिए और पूरी शिद्दत से अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी पाने के लिए प्रेरणा देने के लिए, हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम समाज में एक मिसाल कायम कर सकें। ये बात अलग है कि ये सोच बाद में आई जब हम आकांक्षा शिवहरे से मिले, जिन्हें ऑडिशन के लिए वीरेंद्र ललित जी ने बुलाया था, और उनका काम जब हमने देखा तो हमें कहीं उनके काम में कोई कमी नज़र नहीं आई। अब ये कहना कि क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं तो उन्हें शो बिज़नेस में लीड रोल नहीं देना चाहिए, ये अपने आप में एक इनजस्टिस था। और हम लोगों ने इस इनजस्टिस को अवॉइड किया और हमने कोशिश किया कि अगर कोई काम कर सकता है तो उसे मौका देना चाहिए। और साथ ही साथ हम एक प्रेरणा भी देते हैं उन सभी लोगों को, जीने का एक अवसर मिले सभी लोगों को तो सभी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे।
क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। मनीषा जी, ये जो आपकी फिल्म है, तो इसको जो सेकंड मेट्रो सिटी होते हैं, जैसे रायपुर है, नागपुर है, पूना, लुधियाना और कानपुर, और उड़ीसा में कई स्टेट के कई है, भुवनेश्वर, जहाँ हिंदी भाषी है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है इस फिल्म को ले, कब तक रिलीज करेंगी और कैसे प्लानिंग, ये जरा हमारी ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, और इसको रिलीज़ करने के बाद हम लोगों ने ऐसा विचार किया है कि ये लगभग 3 साल तक हमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट प्लान किया है कि 3 साल तक हमारी फिल्म अवेलेबल रहेगी और अलग अलग शहरों में हम इसे दिखा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब फिल्म रिलीज़ होती है, एक साथ पूरे इंडिया में रिलीज़ हो जाती है और लोग देखते हैं, कुछ हफ्ते रहती है, कुछ दिन रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। जबकि हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम इस फिल्म को ऐसे माध्यम पर रिलीज़ कर रहे हैं कि हम कुछ मेट्रोज में दिखा सकते हैं, फिर हम छोटी सिटीज़ में दिखा सकते हैं। तो इस फिल्म का जो शो पीरियड होगा वो आम फिल्मों की, जो बड़े बजट की फिल्में आती हैं, उनसे काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी एनलार्ज्ड होगा, और अलग अलग समय पर अलग अलग सिटीज़ को हम जैसे जैसे पिच करना चाहेंगे उस तरह से हम पिच करके इस फिल्म को पूरा ट्रैवल करा सकते हैं पूरी कंट्री में, और फर्स्ट लेवल सिटीज़ भी, सेकंड लेवल सिटीज़ भी, हर जगह हम इस फिल्म को ले जा सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारी फिल्म की कहानी एक अर्बन कहानी है, तो हमारी पहली कोशिश ये है कि ये अर्बन एरियाज़ में पहले जाए, और उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चले उस हिसाब से हम इसे छोटे शहरों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये कहानी ऐसे परिवार की है जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या जो बहुत धनाढ्य परिवार होते हैं, जिनमें कि एक आपसी सामंजस्य की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे परिवारों की एक कहानी है। तो कोशिश ये है कि इन्हें स्ट्रैटेजिकली प्ले किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, धन्यवाद मेरे चैनल पर। थैंक यू।